आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो सवाल यहाँ पे कह रहा है नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज, यानी कि हमें ऐसे एंजाइम के बारे में बात करनी है जिसके अंदर हमें प्रोटीन का पार्ट देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले बात करूँ एंजाइम के बारे में। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम हमारा हाईली स्पेशलाइज प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। हाँ जी, नाम में ही बोल रहा है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, हाईली स्पेशलाइज है। किसके लिए मदद करता है? ये हमारी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करता है। कैटलाइज यानी कि उनको आसानी से करवाने का यह मदद करता है, जैसे कि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, जिससे क्या है जो रिएक्शन है वो इजीली हमारी हो जाती है और फिजिबल हो जाती है। ये तो मेरी बात हो गई एंजाइम की। अब कह रहा है नॉन प्रोटीनेशियस, यानी कि ये जो एंजाइम है इसके अंदर प्रोटीन नहीं है। बात करूँ अगर मैं एंजाइम के बारे में, तो जो एंजाइम होता है, एक्टिव एंजाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब एक्टिव एंजाइम। होलो एंजाइम बना होता है हमारे एपो एंजाइम प्लस हमारे कोएंजाइम से मिलके। अब एपोएंजाइम क्या होता है? ये हमारा प्रोटीन पार्ट होता है, और जो कोएंजाइम होता है ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है हमारा। तो इन दोनों से मिलके बना हुआ होता है। अब हमें बताना है किसके अंदर प्रोटीन नहीं देखने को मिलता है ऐसे एंजाइम के बारे में। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले है ऑप्शन ए, दैट इज लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम होता है ये हमारा एक एंजाइम होता है। किसके अंदर देखने को मिलता है? कॉमनली हमारी सलाइवा के अंदर देखने को मिलता है, या फिर जो हमारे टीयर्स होते हैं इसके अंदर देखने को मिलता है। बात करूँ जो हमारा लाइसोजाइम होता है, वो हमारा बना हुआ होता है कुछ 120 अमीनो एसिड से मिलके, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड होती है जिसके अंदर हमें कितने अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं? 129। तो आपको पता ही है पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड का दूसरा ही नाम प्रोटीन होता है, यानी कि जो लाइसोजाइम है उसके अंदर हमें प्रोटीन देखने को मिल रहा है। बात करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन डी के बारे में, कह रहा है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस। तो बता देता हूँ ये जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक होता है ये क्या करता है? ये हमारे डीएनए को कट करने के लिए मदद करता है। हाँ जी, डीएनए को कट करने के लिए मदद कर देता है। साथ ही साथ बता दूँ ये होता है हमारा एक प्रोटीनिशियस। प्रोटीनिशियस होता है हमारा क्या होता है? प्रोटीनिशियस एंजाइम होता है, यानी कि इसके अंदर हमें प्रोटीन का पार्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन सी लाइगेज के बारे में, तो लाइगेज क्या होता है? हमारे कट डीएनए को जोड़ता है। तो इसके अंदर भी हमें एक पॉलीपेप्टाइड देखने को मिलती है जो कि हमारी 68 किलो डाल्टन की होती है। और पॉलीपेप्टाइड क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स होते हैं, तो ये भी प्रोटीनेशियस होता है। बात करूँ राइट आंसर के बारे में, वो है हमारा राइबोजाइम, क्योंकि ये एक नॉन प्रोटीनेशियस होता है हमारा क्या? हमारा एंजाइम। कैसे? जो राइबोजाइम होता है स्पेशल टाइप का हमारा एंजाइम होता है, जिसके अंदर जो हमारा आरएनए है वो एज अ कैटलिस्ट करता है मदद। हाँ जी, ये हमारी रिएक्शंस को कैटलाइज करता है और एज अ कैटलिस्ट करता है मदद। तो आरएनए तो आपको पता ही है एक न्यूक्लिक एसिड होता है, ना कि एक प्रोटीन होता है। तो जब आरएनए हमारा कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है तो उसको हम राइबोजाइम बोलते हैं। इसलिए हमारा नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम कौन सा हुआ? वो होता है ऑप्शन बी, राइबोजाइम्स। थैंक यू। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।